स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण और वन्य जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम का क्या नाम है? ए वाइल्ड इंडिया फिल्म फेस्टिवल, बी इको वर्ल्ड फिल्म फेस्ट, सी हरित पृथ्वी महोत्सव, डी वातावरण। आंसर डी वातावरण। एक्सप्लेनेशन: पर्यावरण और वन्य जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम वातावरण का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2024 को पर्यावरण भवन नई दिल्ली में किया गया। 3 दिवसीय फिल्म समारोह का विषय वेटलैंड्स फॉर लाइफ है, जो आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र की जागरूकता और संरक्षण पर केंद्रित है। अगला प्रश्न: भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कौन सा मील का पत्थर हासिल किया? ए 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बी 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सी 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर, डी 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आंसर डी 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर। एक्सप्लेनेशन: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार करते हुए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। 27 सितंबर 2024 तक भंडार बढ़कर 704.885 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में फॉरेन करेंसी असेट का बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान होता है और इनमें यूरो, पौंड और येन जैसे नॉन अमेरिकी करेंसी में बदलाव को भी शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न: भारत सरकार के उस मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है? ए खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन NMEO तिलहन, बी तिलहन और दलहन पर राष्ट्रीय मिशन, सी राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम, डी सतत कृषि मिशन। आंसर ए खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन NMEO तिलहन। एक्सप्लेनेशन: 3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने 10,103 करोड़ रुपए के बजट के साथ 2024-25 से 2030-31 के लिए खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन NMEO ऑल सीड्स को मंजूरी दी। मिशन का लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। अगला प्रश्न: बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए नागपुर, बी पुणे, सी पोहरा देवी, डी मुंबई। आंसर सी पोहरा देवी। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पोहरा देवी महाराष्ट्र स्थित बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। उन्होंने इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वाले सभी लोगों से संग्रहालय देखने का आग्रह किया। 5 मंजिला बंजारा विरासत संग्रहालय बंजारा समुदाय की समृद्ध धरोहर के बारे में है। पोहरा देवी महाराष्ट्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अगला प्रश्न: वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहां उद्घाटन किया गया? ए लंदन, बी दुबई, सी नई दिल्ली, डी मुंबई। आंसर बी दुबई। एक्सप्लेनेशन: वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम दुबई में लॉन्च किया गया। इसका आयोजन गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। इसका थीम वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए एलिजाबेथ ब्लैकबर्न और कैरोल ग्रीडर, बी विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूपकुंड, सी जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, डी पॉल नज और टिम हंट। आंसर बी विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूपकुंड। एक्सप्लेनेशन: 7 अक्टूबर 2024 को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार अमेरिका के विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूपकुंड को माइक्रोआरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए प्रदान किया गया। इस साल का अवार्ड 1901 के बाद से फिजियोलॉजी या चिकित्सा में दिया जाने वाला 115वां नोबेल पुरस्कार है। अगला प्रश्न: पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। आंसर सी झारखंड। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। केंद्र और राज्य के सहयोग वाली इस योजना का कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार 56,333 करोड़ रुपए और राज्य सरकार 22,823 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। अगला प्रश्न: हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी असम। आंसर डी असम। एक्सप्लेनेशन: असम राज्य सरकार ने हाल ही में छात्राओं के लिए वजीफा योजना निजुत मोइना की शुरुआत की है।
इसके तहत कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान की जा रही है। उच्च माध्यमिक के लिए 1,000 रुपए, डिग्री के लिए 1,250 रुपए और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 2,500 रुपए की पहली किस्त एक राज्यव्यापी कार्यक्रम में वितरित की गई। अगला प्रश्न, आगामी महाकुंभ मेला 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया? ए योगी आदित्यनाथ, बी केशव प्रसाद मौर्य, सी आनंदीबेन पटेल, डी नरेंद्र मोदी। आंसर ए योगी आदित्यनाथ। एक्सप्लेनेशन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के दौरान महाकुंभ आगामी 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया। इस लोगो में धार्मिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक अमृत कलश को दर्शाया गया है, जो समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए स्टीफन हॉकिंग और अल्बर्ट आइंस्टाइन, बी जॉन हॉपफील्ड और ज्योफ्री हिंटन, सी एलन ट्यूरिंग और रिचर्ड फाइनमैन, डी पियरे क्यूरी और मेरी क्यूरी। आंसर बी जॉन हॉपफील्ड और ज्योफ्री हिंटन। एक्सप्लेनेशन, इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और ज्योफ्री हिंटन को प्रदान किया गया, जिसका ऐलान रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने स्टॉकहोम स्वीडन में किया। इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने फिजिक्स के उपकरणों का उपयोग कर उन विधियों का विकास किया है जो आज की शक्तिशाली मशीन लर्निंग का आधार है। इस सम्मान के साथ उन्हें 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना, लगभग 8.3 करोड़ रुपए की नकद राशि भी प्रदान की गई है। भारत ने किस बीमारी को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? ए टीबी, बी तपेदिक, सी ट्रेकोमा, डी मलेरिया। आंसर सी ट्रेकोमा। एक्सप्लेनेशन, भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को द्वारा घोषित इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। यह एक संक्रामक बीमारी है जिसका अगर तय समय पर उपचार न किया जाए तो यह अंधा भी कर सकती है। प्लेग, कुष्ठ रोग और पोलियो के बाद भारत ट्रेकोमा को भी देश से पूरी तरह से खत्म करने में सफल रहा है। इस उपलब्धि पर WHO में भी भारत की तारीफ करते हुए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। अगला प्रश्न, प्रोटीन संरचना अनुसंधान में सफलताओं के लिए रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? ए रोजर पेनरोज, रेनहॉर्ड जेनेजेल और एंड्रिया गेज, बी डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्बिस, सी फ्रांसिस अर्नोल्ड, जॉर्ज स्मिथ और ग्रेगरी विंटर, डी जेनिफर डूडना और इमैनुएल चारपेंटियर। आंसर बी डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्बिस। एक्सप्लेनेशन, डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्बिस को प्रोटीन संरचना अनुसंधान में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस तकनीक का उपयोग प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण वाले प्रोटीन बनाने में किया जाता है। नए प्रकार के प्रोटीन दवाइयों और वैक्सीन के विकास में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न, साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए हारुकी मुराकामी, बी ओरहान पामुक, सी मार्गरेट एटवुड, डी हान कान। आंसर डी हान कान। एक्सप्लेनेशन, साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कान को उनके शक्तिशाली काव्य गद्य के लिए दिया गया, जो ऐतिहासिक आघातों को संबोधित करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। अगला प्रश्न, किसे श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? ए सनत जयसूर्या, बी महिला जयवर्धने, सी राहुल द्रविड़, डी अजय जडेजा। आंसर ए सनत जयसूर्या। एक्सप्लेनेशन, श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या को टीम का हेड कोच नियुक्त किया है। जयसूर्या पिछले कुछ समय से टीम के साथ ही है। वह टीम के साथ अंतरिम कोच के तौर पर जुड़े हुए थे। वह इस पद पर 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक रहेंगे। अगला प्रश्न, 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? ए कोलंबो, बी मुंबई, सी लाओ, डी मनीला। आंसर सी लाओ। एक्सप्लेनेशन, 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 10 अक्टूबर 2024 को लाओ पीडीआर के वियनतियाने में आयोजित किया गया। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के एक दशक पूरे होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आसियान नेताओं के साथ आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग की भविष्य की दिशा तय करने के लिए शामिल हुए। प्रधानमंत्री की इस शिखर सम्मेलन में ये 11वीं भागीदारी थी।